प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज जो आप ये सेटअप देख रहे हैं, हाँ, आपने सही पहचाना, मैं यहाँ पे धूप की बात करने वाला हूँ, जो इंसेंस कोन्स होते हैं उनकी। ये और ये जो है ये धूपदानी है, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। इसका एक ड्रॉबैक है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है ये। इसमें ये देखिए, यहाँ पे धूप जलने के लिए जगह बहुत कम है और जो इसका जो डस्ट होती है, जो राख होती है, वो अक्सर गिर जाती थी, स्पिल हो जाती थी। ऊपर से ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, लेकिन जब भी इसमें अगरबत्ती रखता था मैं, तो वो बुझ जाएगी। पता नहीं, शायद ये हवा को रोकता है, थोड़ी सी हवा जितनी चाहिए होती है अगरबत्ती के जलने के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से अमेज़ॉन से सोचा था ऐसा कुछ खरीदूंगा, और देखिए जो इस किस्मत की बात है कि मैं लोकल मार्केट में गया, वहाँ पर कोई वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स बेच रहा था, तो मैंने उससे ख़रीद लिया। अमेज़ॉन पर जो भी रेट है उससे मेरे को बहुत सस्ते में मिल गया। मैंने ये 150 रुपये में ख़रीदा, थोड़ा बार्गेनिंग करके। इसको मैं प्लेट पर भी चला सकता हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेट पर भी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो फ़ायदा है मैं बताऊँ आपको, मैंने कभी नहीं रियलाइज़ किया ये। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप धूप जलाते हैं तो देखिए जो ऐश है, जो राख है, वो एक तो यहीं पे कलेक्टेड रहती है, आप इसको बाद में फेंक सकते हैं जब भी आपका मन करे। उसके अलावा एक तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, जब इसमें धूप जलती है तो हर जगह से धुआं निकलता है और बड़े स्टाइल से। जब ख़त्म हो जाती है, जब राख बन जाती है, जब एकदम धुआं जो खुशबू है वो हट जाती है, उसके बाद दोस्तों जब आप इसको स्मेल करते हैं, इसको इस लकड़ी में वो धुआं बस जाता है। वाह दोस्तों, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा जलाया था मैंने लास्ट। मैंने लोबान भी जलाया, ये लोकल मार्केट से है, ये देखिए ये गुलाब और ये लैवेंडर है। तो मैंने कौन सा जलाया था मुझे याद नहीं, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत मेडिटेटिव है, जैसे एक मंदिर में आती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें वुडी चार्ड नोट्स फील होते हैं। और अगर आपको फ्रेगरेंसेज अच्छी लगती हैं, तो देखिए हम अक्सर बात करते हैं EDP EDT कोलोन्स इत्र की, हाँ, खुशबूदार साबुनों की भी बात करते हैं, शैम्पू बॉडी वॉश की। हमारे घर भी दोस्तों, हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है उसको भी महकना ज़रूरी होता है, हमारे मन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छा, ये मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने अमेज़ॉन पे भी देखे हैं ऐसी वाली चीज़ें, ये जो धूपदानी है। अगर आप किसी, जैसे मैं लकी रहा, मैंने इसको 150 रुपये में ख़रीदा, अगर आपको ये थोड़ा बार्गेन करके सस्ते में मिलता है तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। मेरा मन किया कि मैं आपको ये वीडियो शेयर करूं। ये कोई ऐसा कुछ ऐसा रिव्यू नहीं है। हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हैं, अगर आप जानना चाहें तो ये मैंने ख़रीदे थे। आपने देखे होंगे साइकिल पर अक्सर अगरबत्ती या जो बत्ती वगैरह होती हैं वो सब बेच रहे होते हैं, तो उनसे मैंने ख़रीदी थी। ये 10 रुपये का एक पैकेट है, तो कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने सोचा था, और ये अच्छा लगा मेरे को। गुलाब जैसी फ्रेगरेंस है, लैवेंडर जो फ्रेगरेंस हमने स्मेल कर रखी है अगरबत्ती में, ये वो है। अगर आप इसके बारे में जाने दोस्तों, ये लोबान है, ये पतंजलि का ड्राई कोन धूप है, पतंजलि वालों का। तो ये 80 ग्राम का ये जो बॉक्स है, इसकी कीमत है 55 रुपये। ये मैंने थोड़ा सा देखा था, 40 इसमें स्टिक्स आती हैं, इसको आप जलाएंगे तो हाफ एन आवर तक का ये जलते हैं। अगर आप ये वाले, ये जो लोकल है, इनको जलाते हैं तो 20-25 मिनट ये भी जलते हैं। तो बेसिकली इनके जो साइज़ है वो करीब करीब सेम है, और खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब तक जलता है तब तक तो अच्छी खुशबू आती है, जब बुझ जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले जलाया था, आज भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अक्सर हम एक स्मोकी चार्ड वुडी फ्रेगरेंस की बात करते हैं, वो मुझे इसमें से मिली, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, आप लोगों तक शेयर करूं। क्या आपने ये यूज़ कर रखे हैं? अगर आपने किए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और पतंजलि के खूब सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों, गूगल आता है, लोबान आता है, मैं अक्सर ट्राई करता रहता हूँ कुछ कुछ नया। अगर आपको ये रिव्यू, ऐसे रिव्यू अच्छे लगते हैं, तो मैं आइंदा भी रिव्यूज़ ऐसे लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।